Hi friends, welcomes you all on MA Igniter. Today I am continuing a flux code arc welding process. जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार दो तीन वीडियो FCAW प्रोसेस के ऊपर मैंने अपलोड कर रखी है. और नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट अ गैस शील्डेड टाइप FCAW प्रोसेस. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट अ सेल्फ शील्डेड टाइप FCAW प्रोसेस इन अ previous lecture or previous video. So now in this video I am going to talk about only a gas shielded type FCAW process. और इस video में मैं आप लोगों को इसके बारे में gas shielded type FCAW process के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ इसके principle और इसका application कहाँ है, ये सारा का सारा aspects मैं इसमें cover करूंगा friends. तो आप लोग इस video में last तक बने रहें और समझने की कोशिश करें कि गैस शील्डेड टाइप FCAW क्या होता है फ्रेंड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है. जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हर वीडियो में लिख करके ही आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोग ईजी से नोट्स बना सकें फ्रेंड्स. तो फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस टाइप्स ऑफ FCAW प्रोसेस एडिशनल शील्डिंग गैस रिक्वायर्ड. यानी कि जो गैस शील्डेड टाइप FCAW प्रोसेस होता है उसमें शील्डिंग पर्पज के लिए अलग से शील्डिंग गैस रिक्वायर्ड होता है. यानी कि ये तब हम लोग करते हैं जब हमें शील्डिंग जो हमारा शील्डिंग है उसको बढ़ाना है और जो फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड से अगर शील्डिंग नहीं हो पा रहा है, वो इनफ नहीं है शील्डिंग करने के लिए, देन हम लोग क्या करते हैं कि एडिशनल शील्डिंग का सेटअप इसके साथ यूज कर सकते हैं. जब एडिशनल शील्डिंग एडिशनल गैस शील्डिंग का सेटअप हम लोग FCAW प्रोसेस के साथ यूज करते हैं तो उसे ही हम लोग सेल्फ गैस शील्डेड टाइप FCAW प्रोसेस करते हैं. यानी कि वह प्रोसेस जिसमें हम लोग शील्डिंग के लिए या फिर शील्डिंग पर्पस के लिए एडिशनल गैस का एक सेटअप रखते हैं या फिर एडिशनल गैस यूज करते हैं शील्डिंग पर्पस में, तो इस टाइप के सेटअप को हम लोग गैस शील्डेड टाइप FCAW प्रोसेस कहते हैं. ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि इसको क्यों हम लोग गैस शील्डेड टाइप FCAW प्रोसेस कहते हैं. आइए आगे मूव करते हैं और इसके अनदर पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स. सो अनदर पॉइंट्स इज दिस प्रोसेस इज नोन एज इनफॉर्मली एज ड्यूअल शील्ड वेल्डिंग प्रोसेस. इस प्रोसेस को हम लोग ड्यूअल शील्ड वेल्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं. क्योंकि आप लोग क्यों कहते हैं ये मैं आप लोग बताता हूँ. क्योंकि आप लोग पता है कि FCAW प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड यूज होता है फ्रेंड्स, वो इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड होता है और उस फ्लक्स के उस इलेक्ट्रोड के कोर में फ्लक्स भरा रहता है. अब एक फ्लक्स हो गया, इसके साथ ही साथ हम लोग इसमें नोजल भी यूज करते हैं इस तरह से. अब इस नोजल से हम लोग क्या करते हैं कि गैस की सप्लाई लेते हैं, अनदर गैस, ये गैस है. तो इसमें क्या हो गया कि एक तो फ्लक्स से शील्डिंग हो रहा है, फर्स्ट फ्लक्स से शील्डिंग हो रहा है और दूसरा किस चीज से शील्डिंग हो रहा है, गैस से शील्डिंग हो रहा है. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कैन से इट इज अ ड्यूअल शील्डेड वेल्डिंग प्रोसेस. यानी कि इसी रीजन से इसको हम लोग ड्यूअल शील्ड वेल्डिंग प्रोसेस कहते हैं. क्योंकि इसमें हम लोग दो तरीका से वेल्ड बिट को या फिर आर्क को शील्ड करते हैं. एक इसमें क्या होता है कि फ्लक्स हमारा बर्न होता है और स्लैग बनाता है तो उससे भी शील्ड होता है, दूसरा गैस हमारा शील्ड करता है. तो इस वजह से हम लोग इसे ड्यूअल शील्ड वेल्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं. आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स. दिस प्रोसेस यूज बोथ फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड एंड एक्सटर्नल शील्डिंग गैस. सो वी कैन से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ GMAW एंड FCAW प्रोसेस. डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि गैस शील्डेड टाइप FCAW प्रोसेस में हम लोग फ्लक्स कोड बार बार इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं और फ्लक्स कोड बार बार इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है, उसके कोर में फ्लक्स रहता है. अब फ्लक्स का क्या काम है, शील्डिंग करना है ना. उसके साथ ही साथ इसमें हम लोग एक्सटर्नल शील्डिंग गैस भी यूज करते हैं. तो एक्सटर्नल शील्डिंग गैस करते हैं तो इसका भी काम क्या है कि शील्डिंग करना, दोनों का काम शील्डिंग ही करना है, फ्लक्स का भी और गैस का भी. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं GMAW में हम लोग एज अ शील्डिंग क्या यूज करते हैं, गैस. शील्डिंग है वो सिमिलर है किसके, FCAW प्रोसेस से, और FCAW प्रोसेस में गैस शील्डेड टाइप FCAW प्रोसेस. तो इसी वजह से इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये FCAW और
GMAW का कॉम्बिनेशन है, ये मिला जुला प्रोसेस है। सेल्फ गैस सिलेंडर टाइप FCAW प्रोसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ GMAW और FCAW, क्योंकि GMAW में हम लोग गैस यूज करते हैं और FCAW में हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं, लेकिन गैस सिलेंडर टाइप में हम लोग दोनों यूज कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कैन से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ GMAW एंड FCAW प्रोसेस, फ्रेंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग कुछ अलग इसके कुछ पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं गैस सिलेंडर टाइप FCAW प्रोसेस के। इन दिस प्रोसेस द स्लैग क्रिएटेड बाय द फ्लक्स इज आल्सो इजी टू रिमूव। इस टाइप के जो प्रोसेस होता है, यानी कि गैस सिलेंडर टाइप FCAW प्रोसेस, इसमें जो इस फ्लक्स के जलने से जो वेल्बिट के ऊपर स्लैग जनरेट होता है या फिर जो स्लैग प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी इजी से रिमूव हो जाता है, वो बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है, इजी टू रिमूवेबल होता है, फ्रेंड्स। ये चीज़ हो गया। इसके एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, फ्रेंड्स। तो इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ, इसका यूज़ हम लोग वेल्डिंग करने में करते हैं, कार्बन स्टील को वेल्डिंग करने में करते हैं, कार्बन स्टील, फिर लो एलॉय स्टील, फिर स्टेनलेस स्टील, है ना। ये सारे जो स्टील्स हैं, कार्बन स्टील, लो एलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील, इन सबों को वेल्डिंग करने में करते हैं। और इस प्रोसेस से, फ्रेंड्स, हम लोग जो पोजिशनल वेल्डिंग भी कर सकते हैं, हम लोग फ्लैट पोजिशन, हॉरिजॉन्टल पोजिशन और ओवरहेड पोजिशन में भी आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं, फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे डुअल सील्ड सिस्टम है, इट इज़ अ डुअल सील्ड सिस्टम, तो वी कैन परफॉर्म अ वेल्डिंग इन अ फ्लैट पोजिशन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल पोजिशन एंड ओवरहेड पोजिशन इजिली, बिकॉज हियर इज डुअल सील्ड सिस्टम। और डुअल सील्ड सिस्टम में हमारा जो वेल्डिंग डिफेक्ट आने का चांस बहुत ही कम रहता है, फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसके जो गैस सिलेंडर टाइप FCAW प्रोसेस है, इसके प्रिंसिपल को हम लोग समझते हैं और कुछ इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लेते हैं, फ्रेंड्स। तो आइए इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं, फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा अगर पीछे का वीडियो देखे होंगे तो इसको समझने में कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये नोजल है और ये कॉन्टैक्ट ट्यूब है, और कॉन्टैक्ट ट्यूब से होकर के हमारा ये फ्लक्स कोड बार बार इलेक्ट्रोड आता है, और ये नोजल है। नोजल क्या करता है कि इट इज यूज टू प्रोवाइड अ शील्डिंग गैस ऑन अ वेल्ड पोल, और कॉन्टैक्ट ट्यूब क्या करता है, इट इज यूज टू प्रोवाइड अ फ्लक्स कोड बार बार इलेक्ट्रोड स्ट्रेटली, है ना। साथ ही साथ ये हमारे वेल्डिंग सर्किट को भी पूरा कराने में हेल्प करता है। तो अब इसमें आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोग बताया कि प्रिंसिपल में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस हमें ये ध्यान देना है कि हमारा आर्क कहाँ जनरेट हो रहा है और किसके बीच जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में जो हमारा आर्क है वो फ्लक्स कोड बार बार इलेक्ट्रोड या फिर फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जनरेट हो रहा है ये आर्क। और इस प्रोसेस में जो आर्क और वेल्ड बोल्ट को सील्ड करने के लिए फ्लक्स के अलावा हम लोग शील्डिंग गैस का भी यूज करते हैं, है ना। तो इस प्रोसेस से हमें बेटर शील्डिंग ये जो प्रोसेस है वो हमें बेटर शील्डिंग प्रोवाइड कराता है वेल्डिंग के द्वारा एज कंपेयर टू द अदर कैटेगरीज। तो दिस इज अ कॉमन प्रिंसिपल, इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं। ये ड्रॉइंग आप लोग के लिए पुराना ड्रॉइंग है, मैंने इसको पहले डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। तो शायद आप लोगों ने इस वीडियो में इसमें इतना ही है, कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।